मॉर्निंग। जानते होंगे मुझे, विवेक शर्मा, मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री कहते हैं सब, मैजिशियन ऑफ केमिस्ट्री। डर लग रहा है, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं, मुझे नहीं बच्चों को डर लग रहा है, बच्चों के फ़ोन आ रहे हैं। सर दिसंबर आ गया, तैयारी नहीं हुई, क्या करें? नहीं डरना, बिल्कुल नहीं डरना, डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों ज़रूरत नहीं है? तीन चीज़ें ध्यान रखनी है केवल, प्रॉपर प्लानिंग करनी है, बिल्कुल प्रॉपर प्लानिंग। प्रॉपर प्लानिंग से पहले तुम्हें क्या ध्यान रखना है? ध्यान रखना है सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। क्या होता है सेल्फ कॉन्फिडेंस? तुम सोचते हो तैयारी नहीं है यार, कुछ आता ही नहीं है, फेल हो जाएंगे, पोजीशन ही नहीं है, स्थिति खराब है बिल्कुल। ख़त्म करो इस वाली बात को, दिमाग में सोच के रखो टॉपर हूँ मैं, स्कूल टॉप करूँगा, मेरा टॉप करूँगा, इंडिया टॉप करूँगा, ये वाली फीलिंग लाओगे तभी कुछ कर सकते हो। अगर दिमाग में सोच के रखोगे नहीं आता, जैसे अप्रैल से नवंबर आ गया, दिसंबर आ गया, वैसे करके अप्रैल भी आ जाएगा, ख़त्म हो जाएंगे एग्जाम, कुछ नहीं होगा। चेंज मारो, बिल्कुल चेंज मारो, सोच के रखो सारी चीज़ें आती हैं, बस मुझे जस्ट एक बार रिवाइज करना है, केवल एक बार रिवाइज। पहली चीज़ है कॉन्फिडेंस बिल्ड कर लो, मुझे सब कुछ आता है, केवल मुझे रिवाइज मारना है, और रिवाइज करने के लिए मुझे प्रॉपर प्लानिंग चाहिए और मुझे प्रॉपर डिवोशन चाहिए। दो चीज़ें, कॉन्फिडेंस तुमने बिल्ड कर लिया, तुम्हें केवल दो चीज़ें करनी है, पहला एक प्लानिंग करनी है और दूसरा तुम्हें डिवोशन करना है। प्लानिंग किस चीज़ को कह रहा हूँ मैं? कितने दिन बचे हैं एग्जाम्स के? आज है 22 तारीख 22, 8 दिन मेरे पास इसमें बचे हुए हैं, जनवरी बची है, फरवरी बची है, 2 महीने मेरे पास ये बचे हैं, दिसंबर बचे हैं, 3 महीने बचे हैं, 3 महीने 90 डेज, 10 दिन मेरे इसके पास बचे हुए हैं, 40 डेज बचे हैं मेरे पास। मुझे 40 दिन में जो हमारे मेन चैप्टर्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायो, जो भी तुम्हारे पास है, मुझे ये तीनों के तीनों चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से तैयार करने हैं। कैसे तैयार करने हैं मैं बता रहा हूँ। दिन है मेरे पास 40, सिलेबस है मेरे पास 3। फिजिक्स में देखो कितने चैप्टर हैं, 10 चैप्टर्स हैं। केमिस्ट्री में देखो कितने चैप्टर्स हैं, 16 चैप्टर्स हैं। मैथ्स में देखो कितने चैप्टर्स हैं, 14 चैप्टर्स हैं। टोटल करो तीनों का, कितना आ गया? 40 आ गया। चैप्टर्स कितने हैं मुझे जो तैयार करने हैं? वो है 40। दिन मेरे पास कितने हैं? दिन है 100। मज़ा आ गया तुम्हारा, टेंशन ही नहीं है। क्यों? दिन है मेरे पास 100, चैप्टर मेरे पास कितने हैं? 40 हैं। मुझे 40 चैप्टर कवर करने हैं, 100 डेज में कवर करने हैं। ये दूसरी चीज़ है जिसे प्लानिंग कहते हैं। अब क्या करना है तुम्हें? टाइम टेबल बनाना। टाइम टेबल तुम इस तरीके से बनाओ कि एक दिन में एक चैप्टर ख़त्म करना है, कंडीशन है, कंडीशन 100% कंडीशन है। एक चैप्टर एक दिन में तुम्हें ख़त्म करना है। स्टार्टिंग कर लो, मान लो केमिस्ट्री से कर ली, सपोज मैं केमिस्ट्री का बंदा हूँ इसलिए केमिस्ट्री से करवा रहा हूँ। एक चैप्टर से स्टार्ट करो, फर्स्ट चैप्टर उठा दो, सॉलिड स्टेट है। क्या करना है उसमें? उसके जो मेन पॉइंट्स हैं, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, चाहे मेरे नोट्स में से देख लो या किसी भी रिफ्रेशर में से देख लो या किसी भी सैम्पल पेपर में से देख लो, जो भी मेन पॉइंट्स हैं, जो भी मेन फॉर्मूले हैं, सारे एक पेपर पे लिख लो और पेपर पे लिख के लर्न करना शुरू कर दो। फर्स्ट क्लास कंसेप्ट बनाओ, अपने आप ट्रिक बना लो, नहीं पता तो मैंने बताई रखी है तुम्हें सारी बात। वो नियर अबाउट 22 मार्क्स की होती है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी फिजिकल में है क्या? सारा न्यूमेरिकल्स पार्ट है। तो तुमने क्या करना है? सारे के सारे जो न्यूमेरिकल्स वाले चैप्टर्स हैं, सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोकाइनेटिक्स, चारों चैप्टर्स के फॉर्मूले लिख लो एक पेपर पे। सारे के सारे तुमने क्या करना है? फॉर्मूले लिख लेते हैं, सारे के सारे फॉर्मूले लर्न करो। हर फॉर्मूले के ऊपर बेस दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल्स कर लो, दो दो तीन तीन न्यूमेरिकल्स करोगे प्रैक्टिस हो जाएगी। प्रैक्टिस होगी तो क्या होगा? काम हो गया तुम्हारा, फिजिकल तैयार हो गए तुम्हारी। बाद के चैप्टर बचे सरफेस वाला, सारे के सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस, एनसीईआरटी क्वेश्चंस कर लो। ऑर्गेनिक के ऊपर आते हैं, ऑर्गेनिक में क्या है तुम्हें पता है? नेम रिएक्शंस आएंगे, डिस्टिंग्विश टेस्ट आएंगे, कन्वर्जेंस आएंगी, रीजनिंग आएंगी। उसके लिए सबसे जरूरी चीज़ क्या है? जो तुम्हारे चारों चैप्टर्स हैं ऑर्गेनिक के चारों चैप्टर्स की तुम्हें सारी नेम रिएक्शंस याद करनी है। सारी के सारी नेम रिएक्शन पेपर पे लिखो, अच्छे से लर्न कर लो, सारी कन्वर्जेंस भी हो जाएंगी, सारी नेम रिएक्शंस भी हो जाएंगी। सारे डिस्टिंग्विश याद करो, पेपर पे लिखो और पेपर पे लिख के डिस्टिंग्विश याद कर लो। बचता क्या पार्ट है? मेन चीज़ बचती है कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कैसे होंगी? कन्वर्जेंस करने के लिए नेम रिएक्शन तुम्हें याद है, कन्वर्जन तुम अपने आप कर ही दोगे। अब आती है हमारी रीजनिंग। सारी की सारी रीजनिंग 3-4 पॉइंट्स के ऊपर होती है। सोल्यूबिलिटी के ऊपर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। एसिडिक नेचर के ऊपर होती है, इंडक्टिव इफेक्ट है। और बाकी के जो कंसेप्ट हैं, समरी बनाओ, समरी बना के पढ़ना शुरू कर दो। क्या हो गया? ऑर्गेनिक तैयार हो गई।
इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें क्या करना है, इनऑर्गेनिक के लिए तुम्हें तैयार करने हैं लास्ट ईयर के क्वेश्चन, जो हमारे पिछले सालों के क्वेश्चंस पेपर हैं उसमें से उठा लो क्वेश्चंस, उठाओ इनऑर्गेनिक के पेपर पे लिखो, तैयार करना शुरू कर दो। लेकिन एक बात और, क्या तुमने पूरा साल पढ़ाई करी या नहीं करी, रिविजन जरूर करना। रिविजन किसी भी टीचर के पास करोगे जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया हो, रिविजन जरूर करना, क्योंकि रिविजन से ही सारा का सारा पांसा पलट जाता है। एक बच्चा जो पूरी साल पढ़ाई कर रहा है रिवीजन नहीं कर रहा, खत्म है, कह दिया खत्म, कोई रिजल्ट नहीं आएगा। एक बच्चा जिसने पूरा साल पढ़ाई नहीं करी है, पूरा साल, लेकिन उसने रिवीजन बहुत तरीके से कर लिया, बहुत बढ़िया तरीके से उसने रिवीजन कर लिया, 100 के 100 मार्क्स आएंगे। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं ऐसे बच्चों के, पूरा साल उन्होंने पढ़ाई नहीं करी, रिवीजन जरूर करना। जिस टीचर का बढ़िया रिजल्ट हो पता करके उसके पास रिवीजन जरूर करना, सारा रिजल्ट जो आएगा वो रिवीजन से आएगा। चाहे फिजिक्स ले लो, चाहे केमिस्ट्री ले लो, चाहे मैथ्स ले लो या बायो ले लो। फिजिक्स में क्या करना है, सबसे ज्यादा रिपीटेशन फिजिक्स में होता है क्वेश्चंस का, सबसे ज्यादा रिपीटेशन। पिछले 10 ईयर के क्वेश्चन पेपर उठा लो, सोल्ड पेपर उठा लो, वही के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वही के वही क्वेश्चन, मुश्किल से 10 मार्क्स का वेरिएशन होता है। 60 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं वो लास्ट ईयर वाले क्वेश्चन आएंगे। उठा के देख लेना, प्रूफ देख लो, सैंपल पेपर उठाओ, उठा के देख लेना, सारे के सारे क्वेश्चन वही के वही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। हर बार वही माइक्रोस्कोप आएगी, हर बार वही सारे किरचॉफ्स लॉ न्यूमेरिकल जो जो कंसेप्ट हैं तुम्हें फिजिक्स में बताएं। मैथ्स का भी पेपर बहुत सारे रिपीट होता है, लेकिन रिवीजन जरूर करना। टीचर्स के पास रिवीजन करोगे, उसे पता है सारी बातें कैसे कैसे करानी है। जिसका रिजल्ट बहुत बढ़िया उस वाले टीचर के पास रिवीजन ज्वाइन करो, फिजिक्स का भी करो, केमिस्ट्री का भी करो, मैथ्स का भी करो। मैथ्स 100 मार्क्स ऐसे करके आएंगे, बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, बढ़िया। एक बात और, क्या बेटा ये जो टाइम है ना, ये लाइफ में वापिस नहीं आना, कभी भी वापस नहीं आना। ये वाले जो 3 महीने बचे हुए हैं, जिंदगी और मौत की लड़ाई है, जान लड़ा देनी है, जान इतनी मेहनत करनी है जो जिंदगी में कभी करी ना हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेहनत ही नहीं करनी, सारा कैरियर यहीं से डिसाइड होगा, सारी चीजें यहीं से तुम्हारी डिसाइड होंगी। पूरी जान लगा दो, जिंदगी मौत की लड़ाई है, इतनी मेहनत करो। एग्जाम देने से पहले फुल कॉन्फिडेंस होके जाना, सोच के जाना कि बहुत बढ़िया पेपर होगा, सारी चीजें बहुत अच्छी होंगी। लेकिन उससे पहले जो सिस्टम बताया है, जो शेड्यूल बताया है, वो शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम करना पड़ेगा। 3 महीने पता नहीं होना चाहिए दिन कब हो गया है, रात कब हो गई है, सुबह कब हुई है, शाम कब हुई है, पूरे टाइम पढ़ाई करनी है, पूरे टाइम पर डे के हिसाब से शेड्यूल बनाओ, डेली की डेली पढ़ाई करो, बहुत बढ़िया शेड्यूल बनाओ, फुल कॉन्फिडेंस के साथ जाना, क्योंकि ये टाइम कभी वापस नहीं आना। बहुत बढ़िया से तैयारी करो, बाकी बातें मैं आपको बाद में बताऊँगा। ऑल द बेस्ट।